नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। जितन रामांझी इन दिनों काफी गुस्से में है। कभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बरस पड़ते हैं तो कभी नीतीश कुमार को, जबकि गठबंधन में है उसके बावजूद खड़ी खोटी सुना देते हैं। इन सब के बीच अब हॉस्पिटल में ही जितन रामांझी काफी गुस्से में दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको लेकर मीडिया में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जितन रामांझी कह रहे हैं, मैं तो एकदम फिट हूँ, कोरोना से मैं पीड़ित था लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, हर सुबह हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ और अपने आप को फिट भी रखता हूँ। ऐसे में ना जाने ये लोग कहाँ से ऐसी खबरें लेके आते हैं और ये कहते हैं कि मुझे ऑक्सीजन लगा है। जितन रामांझी ने हुबहू बयान में क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। देखिए, जितन रामांझी ने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली है और लिखा है, मैं रोज योग करता हूँ, टहल रहा हूँ, पर कुछ मीडिया हाउस को पता नहीं कौन जानकारी दे रहा है कि मेरी तबीयत बिगड़ गई है, मेरे सेहत में सुधार और है, मैं जल्द ही आप सबों के बीच होऊंगा। तो अब जितन रामांझी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और इसके साथ उन्होंने कहा है कि पता नहीं ये अफवाहें कौन उड़ा रहा है और कौन इसकी जानकारी दे रहा है। आपको बताएं कि जितन रामांझी लगातार कई दिनों से गुस्से में दिख रहे हैं। पहले पार्टी में महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसके बाद नीतीश कुमार को उन्होंने सुना दिया। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार अगर बिहार वासियों के हित में रोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगे तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। और इसके साथ जूनियर डॉक्टर्स को लेकर भी उन्होंने कहा कि इनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। तो लगातार जितन रामांझी नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहे हैं और इसके साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जब नेता प्रतिपक्ष पर भी निशाना साधने में बाज नहीं आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अपराध के मुद्दे पर लगातार विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार की सरकार पर प्रहार किया जा रहा था, तब जितन रामांझी नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अधिकांश 80% जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी नेताओं के कारण ही बढ़ रही हैं। अगर आरजेडी नेता अपने बयान पर, अपनी एक्टिविटी पर लगाम लगा लेंगे तो अपराध पर लगाम लग जाएगा। तो इस तरीके के बयान देने के बाद जितन रामांझी पर पलटवार भी खूब हुआ, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में गर्म बयानबाजी की, उसके बाद राजनीति की एक राजनीति का जो अलग रंग है वो देखने को मिल रहा था। इन सब के बीच अब जितन रामांझी हॉस्पिटल में हैं क्योंकि कोरोना से वो पीड़ित पाए गए थे, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा है और वो कह रहे हैं कि जब मैं ठीक हूँ तो फिर मीडिया में ये क्यों कहा जा रहा है कि उन्हें ऑक्सीजन लगी है। तो इस पर अब वो काफ़ी गर्म हो गए हैं। सिर्फ मीडिया वालों पर ही अपनी भड़ास नहीं निकाल रहे बल्कि उन लोगों पर भी वो भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं जो इस बात को लिख कर रहा है, जो ये कह रहा है कि उन्हें ऑक्सीजन लगी है। तो जितन रामांझी इन दिनों काफी अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव पर हो, चाहे नीतीश कुमार पर हो, चाहे बीजेपी पर हो और अब चाहे मीडिया पर हो, लगातार अपना अग्रेशन दिखा रहे हैं। और आप जब हॉस्पिटल में हैं तब भी ट्विटर के सहारे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।